आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। न सिर्फ हिंदुस्तान का हर कोना लेकिन दुनिया के हर कोने में आज किसी न किसी रूप में भारतीयों के द्वारा या भारत के प्रति अपार प्रेम रखने वालों के द्वारा विश्व के हर कोने में यह हमारा तिरंगा आन बान शान के साथ लहरा रहा है। मैं विश्व भर में फैले हुए भारत प्रेमियों को, भारतीयों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये दिवस ऐतिहासिक दिवस है, एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का ये शुभ अवसर है। आजादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न किया हो, जीवन न खपाया हो, यातनाएं न झेली हो, आहुति न दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनका स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द से जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब अम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अनगिनत ऐसे हमारे क्रांति वीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, जलकारी बाई, दुर्गा भाभी,
रानी गायदिनलियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलु नचियार, भारत की नारी शक्ति क्या होती है, भारत की नारी शक्ति का संकल्प क्या होता है, भारत की नारी त्याग और बलिदान की क्या पराकाष्ठा कर सकती है, वैसी अनगिनत वीरांगनाओं का स्मरण करते हुए हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। आजादी का जंग भी लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वाले भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, नेहरू जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य विनोबा भावे, नानाजी देशमुख, सुब्रमण्यम भारती, अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन करने का अवसर है। जब आजादी के जंग की चर्चा करते हैं तो हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कानू, अल्लूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु, अनगिनत नाम है जिन्होंने आजादी के आंदोलन की आवाज बनकर के दूर सुदूर जंगलों में भी मेरे आदिवासी भाई बहनों में, माताओं में, युवकों में मातृभूमि के लिए जीने मरने की प्रेरणा जगाई। ये देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी के जंग के कई रूप रहे हैं और उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर कान में भारत की चेतना को जगाते रहे, भारत को चेतनवंत बनाते रहे। अमृत महोत्सव के दौरान देश ने पूरे एक साल से हम देख रहे हैं, 2021 में दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ, स्मृति दिवस को संवरते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आजादी के अमृत महोत्सव के लक्षावधि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो वो शायद ये पहली घटना हुई होगी। और हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह न मिली या उनको भुला दिया गया था। आज देश ने खोज खोज करके हर कोने में ऐसे वीरों को, महापुरुषों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्याग्रहियों को याद किया, नमन किया। अमृत महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से, हृदय के गहरे गांवों को याद करते हुए,
उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया था, तिरंगे की शान के लिए सहन किया था, मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य, प्रेरणा पाने योग्य है। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, शासन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हो, जनप्रतिनिधि हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हो, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हो, केंद्र के शासक प्रशासक रहे हो, 75 साल में इन सब के योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी जिन्होंने 75 साल अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। और इसलिए, और ये भी सच्चाई है कि सैकड़ों सालों के गुलामी के कालखंड ने भारत के मन को, भारत के मानवीय की भावनाओं को गहरे गांव किए थे, गहरी चोटें पहुंचाई थी, लेकिन उसके भीतर एक जिद भी थी, एक जिजीविषा भी थी, एक जुनून भी था, एक जोम भी था। और उसके कारण अभावों के बीच में भी, उपहास के बीच में भी, और जब आजादी का जंग अंतिम चरण में था तो देश को डराने के लिए, निराश करने के लिए, हताश करने के लिए सारे उपाय किए गए थे। अगर आजादी आई, अंग्रेज चले जाएंगे तो देश टूट जाएगा, बिखर जाएंगे, लोग अंदर अंदर लड़ करके मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अंधकार युग में भारत चला जाएगा, न जाने क्या क्या आशंकाएं व्यक्त की गई थी। लेकिन उनको पता नहीं था ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, इस मिट्टी में वो सामर्थ्य है जो शासकों से भी परे सामर्थ्य का एक अंतर प्रभार लेकर के जीता रहा है, सदियों तक जीता रहा है। और उसी का परिणाम है हमने क्या कुछ नहीं झेला, कभी अन्न का संकट झेला, कभी युद्ध के शिकार हो गए, आतंकवाद ने डगर डगर चुनौतियां पैदा की, निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया, छद्म युद्ध चलते रहे, प्राकृतिक आपदाएं आती रही, सफलता विफलता, आशा निराशा, न जाने कितने पड़ाव आए हैं। लेकिन
इन पड़ाव के बीच भी भारत आगे बढ़ पा रहा। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अतुट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है, वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का कारण लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं अपेक्षाएं उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में, हर एक के प्रयास में हम जहां तक पहुंच पाए थे पहुंचे थे। और 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया, आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला था। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है, उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी की आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और उन 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव, आज 75 साल के बाद जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है, एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है। और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है,
लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतजार किया है, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये अमृत काल का पहली प्रभात हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर देकर के आई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने पिछले दिनों देखा है, एक और ताकत का हमने अनुभव किया है, और वो है भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण, आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। यह चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। और ये पुनर्जागरण देखिए, 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद कि देश के भीतर कौन सी ताकत है, लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स वे भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। यह पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं, जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं, जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है, समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों,
विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, तीन सामर्थ्य के रूप में देखता हूं, और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार के ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति को, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो, देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान ही करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तब साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा, और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा देश।